जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ, साईं सच्चरित्र पारायण से जुड़ा हुआ मेरा अनुभव शेयर करने। हम हमारे लिए घर ढूंढ रहे थे और बहुत ढूंढने के बाद, मतलब लिटरली बहुत ढूंढने के बाद, फाइनली एक बहुत अच्छे सोसाइटी में एक बड़ा सा बहुत सुंदर सा घर हमें फाइनली मिल गया। और घर मिलते ही ना हमने और देर नहीं किया, तुरंत उस घर के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट हमने एडवांस कर दिया। पर एक हफ्ते बाद ना उस घर के बारे में हमें कुछ पता चलता है जिसको सुन के हम सब बहुत सोच में पड़ जाते हैं। एक्चुअली मेरा भाई बाय प्रोफेशन स्टॉक मार्केट ट्रेडर है। इसके लिए उसका एक अलग ही ट्रेडिंग सेटअप है, 3-4 मॉनिटर्स है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो जहाँ पे हम घर ले रहे थे ना, वहाँ मतलब उस सोसाइटी के जो सोसाइटी का जो ऑफिस है, वहाँ से हमें कहा गया कि उस सोसाइटी में सिर्फ हैथवे और अलायंस का ब्रॉडबैंड ही दिया जाता है। मतलब अलायंस एंड हैथवे का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही वहाँ पे दिया जाता है, दूसरा कोई कनेक्शन लाइक एयरटेल जियो वहाँ पे नहीं दिया जाता। सो अगर हमें वहाँ पे घर लेना है तो हम अलग से मतलब एयरटेल जियो का कनेक्शन नहीं ले सकते, हमें अलायंस और हैथवे का ही कनेक्शन लेना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि अलायंस एंड हैथवे का जो कनेक्शन है ना, जो इंटरनेट स्पीड है, वो बहुत स्लो है कंपेयर टू एयरटेल एंड जियो। तो मेरे भाई के प्रोफेशन में उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसका स्पीड बहुत मायने रखता है। मतलब वो ऐसे काम करता है ना कि अगर एक इंटरनेट का स्पीड कम हो जाए तो दूसरा वाला बैकअप में काम कर सके। पर वो पड़ गया बहुत सोच में कि अगर उसके मतलब ट्रेडिंग उसका काम है और नेट मतलब उस क्या कहूँ मैं मतलब ट्रेड के लिए जो उसको इंटरनेट चाहिए, जो स्पीड चाहिए, वही अगर उस घर में जाके उसको ना मिले तो वो काम कैसे करेगा। तो हम सब पड़ गए बहुत सोच में और हमने सोचा ना कि कहीं और हम देखते हैं घर जहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और हमने खोजना भी चालू किया और सच बताऊँ तो हमने जितना भी सर्च किया ना घर, उस घर जैसा मतलब कहीं हमें घर नहीं मिल रहा था, ना सोसाइटी, ना अच्छा घर, ना बड़ा घर नहीं मिल रहा था। मतलब जहाँ पे हमने एडवांस कर दिया था पैसा, वो सुप्रीम था, उससे बेहतरीन घर हमें और कहीं नहीं मिल रहा था। तो हम लोग बहुत सोच में पड़ गए। तो एक दिन मैं और मेरा भाई ऐसे ही शाम को बैठे हुए थे, हम दोनों बात कर रहे थे, तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और अचानक से ना बाबा का फ़ोटो पॉपअप हुआ। तो मैंने कहा मेरे भाई से कि सुनो, बाबा से प्रेयर करो, तुम्हारा ही प्रॉब्लम है ना इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये तो तुम्हारा ही कंसर्न है ना, बाबा से प्रेयर करो कि ये उलझन मतलब हट जाए। तो हम दोनों ने ना बाबा से यही प्रेयर किया कि बाबा, बोथ मेरा भाई और मैंने दोनों ही बाबा से प्रेयर किया, साईं से, कि बाबा जहाँ पे हमने घर लिया है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और अगर हम दूसरे जगह देख रहे हैं घर तो जैसा हमें चाहिए घर, बड़ा सा सुंदर सा प्रॉपर सोसाइटी में घर, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो बाबा या फिर हमें एक अच्छे सोसाइटी में एक घर ढूंढ दो जहाँ पे मेरे भाई का इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर अच्छे आपको अच्छा सोसाइटी आपको भी नहीं मिल रहा है हमारे लिए, तो फिर जहाँ पे हमने पैसा एडवांस कर दिया ना बाबा, वहीं पे कुछ चमत्कार कर दो ताकि हम अपना इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे ले सके, वो हैथवे एंड क्या कहते हैं अलायंस का ब्रॉडबैंड हमें नहीं लेना, तो आप कुछ करो बाबा। तो ये हम दोनों का प्रेयर था बाबा से, और उस प्रेयर के साथ मैंने एक एडिशन किया था। ठीक है, मैंने बाबा को एडिशन ये कहा था कि बाबा आप अगर हमारी ये समस्या का समाधान कर देते हो ना बाबा, मैं आपको एक तुलसी का पत्ता चढ़ाऊँगी। ठीक है, अगर आप मुझे हमारा ये प्रॉब्लम जो है इसको जो अगर आप सॉल्व कर देते हो तो मैं कहती हूँ आपको मैं एक तुलसी का पत्ता ज़रूर चढ़ाऊँगी। और 4 दिन के बाद, ठीक है, 4 दिन के बाद उस सोसाइटी के ऑफिस से हमें कॉल आता है कि हमने बहुत सोचा आपके बारे में और हमने यही डिसाइड किया कि
आप हमारे यहाँ ज़रूर घर लीजिए, और आपको हैथवे एंड अलायंस का ब्रॉडबैंड लेना ज़रूरी नहीं है। आपको जैसा मन चाहे आप अपना कनेक्शन यहाँ पे लगा सकते हो, जियो रिलायंस जो भी चाहे, क्योंकि हमने डिसाइड किया है, हमने ये बात को समझा है कि आप इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। फ्यूचर में ऐसा प्रोफेशन का कोई दूसरा भी आएगा, सिर्फ हमारे यहाँ पे हम अलायंस और हाथवे का इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, तो वो हमारे यहाँ घर नहीं लेंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, तो हम अपना पोटेंशियल कस्टमर खो रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि आप यहाँ पे आइए, आपने अपना पैसा एडवांस भी किया है, सो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कहीं और घर मत देखिए, हम आप यहीं पे आइए, और आपको जो कनेक्शन चाहिए, एयरटेल जियो जो भी चाहिए, ये आप लीजिए। मतलब आप ही से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले जो भी आए हैं यहाँ पे सब अलायंस एंड हाथवे का ही लेते थे कनेक्शन, पर मैं कह रहा हूँ कि आपसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज के बाद से आपको जो भी कनेक्शन चाहिए आप लीजिए। ये सब सुन के हम हो गए बहुत खुश, और हम आते हैं, मतलब फाइनली हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ महीना बीत जाता है, ठीक है, जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार मेंशन किया है कि मैं ग्लोबल महापारायण से जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ पे ना हमें हर थर्सडे 2 चैप्टर्स अलॉट किया जाता है, तो चैप्टर्स पढ़ के हमें व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रोल नंबर के साथ रिस्पेक्टिव हाउस में रिपोर्ट करना पड़ता है कि हमने चैप्टर पढ़ लिया। तो वो एक थर्सडे था जब मुझे ग्लोबल महापारायण ग्रुप से चैप्टर 9 और चैप्टर 10 अलॉट हुआ था। तो चैप्टर 9 का एक पोर्शन है जो शुरू होता है, कि जो कुछ इस प्रकार से शुरू होता है, चैप्टर 9 का मिडिल मिडिल पोर्शन, या शायद आप कहो कि एंड पोर्शन का ही एक, मतलब स्टार्टिंग जो है वो इस प्रकार शुरू होता है कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो मुझे एक पत्र, एक फूल, एक फल या एक जल अपने शुद्ध मन से अर्पण करता है, तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो ये सुन के ना मुझे अचानक से लगा कि क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। ये जो पैरा था कि जो मुझे भक्ति भाव से, प्रेम से, सच्चे मन से एक पत्र, एक फूल, एक फल चढ़ाता, ये पढ़ के ना मुझे लगा क्या मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ तो है कि मैं भूल रही हूँ। तो फिर उसको, मतलब ये थॉट को मैं साइड हटा के मैंने फर्दर पढ़ना शुरू किया, और फर्दर पैराग्राफ ये कहता है कि साईं बाबा भी अपने भक्त को हमेशा याद दिलाते थे कि अगर वो साईं को कुछ अर्पण करने का वचन देते थे सच्चे मन से, और फिर वो भूल जाते थे, साईं बाबा उनको याद दिलाते थे। और फिर आता है श्री गोविंद बलराम मानकर का स्टोरी, कि श्री गोविंद बलराम मानकर शिरडी जा रहे थे, और श्रीमती तटखर ने उनके हाथों बाबा के लिए एक पेड़ा भेजा था। तो गोविंद बलराम मानकर जब शिरडी पहुंच गए, तो बाबा उनसे और बाबा से वो मिलने गए, तो साईं ने मानकर जी से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, और मानकर जी कहते हैं कि कुछ नहीं। तो बाबा ने 2-3 बार उनसे पूछा, और 2-3 बार उन्होंने बाबा से यही कहा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया। फिर बाबा उनसे कहते हैं कि क्या माता ने तुम्हारे हाथ मेरे लिए कुछ मीठा नहीं भेजा था। फिर उन्हें याद आता है कि श्रीमती तटकर ने उनके हाथों बाबा के लिए एक पेड़ा भेजा था, और वो फिर घर जाते हैं और बाबा के लिए वो पेड़ा लाते हैं, और बाबा बहुत प्रेम से वो पेड़ा ग्रहण करते हैं। ये वाला पढ़ के ना मुझे अचानक से याद आ गया कि मैंने बाबा को कहा था कि बाबा आप ये घर का प्रॉब्लम जो भी है ये सॉल्व अगर आप कर देते हो, तो मैं आपको एक तुलसी का पत्ता चढ़ाऊंगी, पर मैं तो भूल गई। ये मतलब ये अध्याय पढ़ के ना मैं जैसे तैसे उस दिन अध्याय ख़त्म किया, मैंने ग्लोबल महापारायण ग्रुप में रिपोर्ट किया, और तुरंत तुरंत मैंने तुलसी का पत्ता बाबा को चढ़ाया, ठीक है। उस दिन ना मैं एक तो बहुत हैरान थी, बहुत हैरान थी, और दूसरा मैं बहुत खुश थी। हैरान इसलिए थी, देखिए एक तो साईं बाबा हमारे सोच से परे है, और उनका चमत्कार, उनका लीला भी हमारे सोच के परे है, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन।
मतलब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं सोचती हूँ कि बाबा का तरीका क्या है। मैं तो भूल ही चुकी थी ना कि मुझे भी बाबा को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाना है। मैंने बाबा को वचन दिया था कि मैं चढ़ाऊंगी, आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो पर मैं भूल गई थी। पर आप देखिए बाबा का तरीका, सच्चरित्र मतलब महापारायण में मुझे दो चैप्टर अलॉट हुआ, चैप्टर 9 और 10। और चैप्टर 9 में एक जगह मेंशन किया है कि जो मुझे एक पत्र, ठीक है, ये बात सिग्निफिकेंटली मेंशन है, एक पत्र, एक फूल, एक फल, जल। तो मैंने तो बाबा को कहा था ना कि एक पत्र चढ़ाऊंगी, तुलसी का एक पत्ता चढ़ाऊंगी। वो जगह बाबा ने मुझे हिंट किया कि तुमने मुझे कहा था एक पत्ता चढ़ाओगी तुलसी का, तुम भूल गई। मुझे जब फिर भी याद नहीं आया, जब मैं फर्दर स्टोरी को पढ़ने लगी, फिर मुझे अचानक से स्टोरी पढ़ के याद आ गया कि नहीं, मैंने भी बाबा को वचन दिया था कि तुलसी चढ़ाऊंगी, मैं भूल गई। तो ये बाबा का जो टेक्निक है ना, मुझे याद बाबा का जो टेक्निक था मुझे याद दिलाने का, द वेरी थॉट ऑफ दिस, ये मतलब अभी भी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। मैं बहुत हैरान हो गई थी कि बाबा आप क्या हो, आप कैसे, मतलब आपने कैसे मुझे याद दिलाया। मतलब ये ना, ये जो फीलिंग्स है ना, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रही हूँ मुझे कैसा लगा था। और मैं बहुत खुश भी थी। खुश क्यों थी मैं आपको बताती हूँ, आप सभी को, कि कभी कभी लगता है ना कि भले ही आप बाबा को बहुत ट्रस्ट करते हो, बहुत फेथ है, बहुत आस्था है बाबा के ऊपर, पर कभी कभी लगता है ना, हम इंसान हैं एट द एंड ऑफ द डे। कभी कभी हमें लगता है ना कि क्या बाबा हमें सुन भी पा रहे हैं, क्या हम जो रोज़ बाबा से बात करते हैं, हम बाबा को पुकारते हैं, क्या बाबा तक मेरी पुकार जा भी रही है या नहीं, हम सोचते हैं ना कभी कभी ये बात। तो उस दिन जो हुआ ना, मैं ये सोच के खुश हो गई कि बाबा को मैं याद हूँ, और उससे भी ज़्यादा बाबा मुझे हर वक्त सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। बाबा को तो मैं याद हूँ ही, अपने हर एक बाबा के कोटि कोटि भक्त हैं, ठीक है, उस कोटि कोटि भक्त में भी, उस भक्तों के भीड़ में भी बाबा को मैं याद हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं जो भी बाबा से कहती हूँ, बाबा बहुत केयरफुली सुनते हैं, बहुत मन लगा के सुनते हैं। इसीलिए जब मैं भूल गई बाबा को तुलसी अर्पण करना, बाबा ने मुझे याद दिलाया कि तुम भूल गई हो, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे तुलसी चढ़ाओगी, तो चढ़ाओ, ठीक है। तो मुझे उस दिन एहसास हो गया कि भले ही बाबा के कोटि कोटि भक्त हैं, पर उस कोटि कोटि भक्त में ना बाबा मुझे सुनते हैं, बाबा मुझे देखते हैं, और मैं जो भी कहती हूँ ना, बाबा बहुत मन लगा के सुनते हैं। और मैं ना कुछ निश्चिंत भी हो गई, बहुत निश्चिंत हो गई कि बाबा जब मुझे इतने मतलब अच्छे से सुनते हैं, मैं जो कहती हूँ बाबा सुनते हैं, तो बाबा मुझे देख भी रहे हैं अच्छे से, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, क्या क्या हिंड्रेंस है, क्या है नहीं है, मेरे सपने अरमान बाबा सब कुछ देख रहे हैं, तो मुझे और किसी बात की फिक्र ही नहीं है। तो ये उस दिन सच में मैं बहुत हैरान भी हुई थी और बहुत खुश भी हुई थी। और ये था मेरा अनुभव साईं से जुड़ा हुआ, साईं सच्चरित्र पारायण से जुड़ा हुआ। तो मैं कहती हूँ ना, कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं बाबा की लीलाओं का गुणगान करने में, बाबा की महिमा का प्रचार करने में भी ना शब्द कम पड़ जाते हैं। ये जीवन भी बहुत कम है भगवान का गुणगान करने के लिए, सब कुछ भगवान का ही दिया है ना। तो बस इतना ही कहूँगी, अगर आपको भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना है, मतलब बेझिझक आप शेयर कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी सब डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। और अगर आपको साइंस से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है और आप बार बार सुनना चाहते हैं, तो देर किस बात का, आप जुड़ जाइए मेरे साई परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साई अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।